मैट्योर 2023 मॉडल एकदम नई बाइक है, तो इस बाइक को लेने के फायदे और नुकसान आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़। और अगर आप रॉयल इनफील्ड फैन बॉय हो ना भाई, तो तैयार रहो कानों से खून निकलवाने के लिए, क्योंकि आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स में इसके गिनाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम ही गिनाएंगे, इसमें जो अच्छी चीज़ें अपन वो भी बताएंगे, तो तैयार रहना कानों में उंगली लगाने के बाद। तो भाई रॉयल इनफील्ड देता है इसमें आपको 350 cc का इंजन, जो कि सिर्फ नाम के लिए है। मतलब 350 cc का इंजन देने के बाद में आप सिर्फ 20 PS ऑफ पावर दे रहे हो भाई, जो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। और थोड़ा पिकअप भी अपना ऐसा ही है उसी के अकॉर्डिंग, तो इंजन के अकॉर्डिंग जो इसमें पावर होनी चाहिए वो मेरी थोड़ी सी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। 27 NM ऑफ टॉर्क देने के बाद में आप 20 PS पावर दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको टॉप एंड पर जाके लैग फील होगा चलाने के बाद में। दूसरा जो अपन बात करें अगर, तो वो आते हैं अपन इसकी हेडलाइट पे। अभी ऑलमोस्ट 280,000 के अराउंड ये बाइक जाती है, और उसके बाद भी अगर आपको हेलोजन लाइट मिल रही है भाई, तो पता नहीं आप पैसा कहाँ डाल रहे हो अपना। बाकी और आपको शायद 1-1.5 लाख में ऐसी बाइकें मिल जाएंगी जिसके अंदर ये LED और प्रोजेक्टर लैंप्स भी आ रहे हैं। तो तीसरा कौन भाई, ये मडगार्ड फाइबर का। अगर आप बाइक कहीं भी चला रहे हो, तो इफ़ इन केस अगर आपकी बाइक आगे से कहीं भी टच होती है, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये होता है। उसका फ़ायदा भी है कि ये मे बी शायद फोल्ड होके वहीं बच जाए, टूटे ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट आए तो जल्दी टूट जाए, आपको लोहे वाले में शायद मेटल वाले में ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती। बाकी चौथी चीज़ क्या है वो चला के बताएंगे। तो भाई देखो, 60 और 70 की स्पीड और के उम्र के लोगों के लिए बाइक बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरे को बाइक बहुत पसंद आ रही है, बट मैं सोचूंगा ये बाइक लेके अपने पापा को गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि उनके लिए बाइक बहुत अच्छी है। 60-70 तक इट्स निम्बल मशीन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट मशीन वी हैव इन आर मार्केट अंडर 350 cc सेगमेंट। तो वो जो है आपको मैं पीछे बिठाता हूँ, और आगे के जो कॉकपिट हुई है उसके बाद ही समझा पाऊंगा, आ जाइए। तो भाई जो इसमें चौथी और मेजर प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो इसके इंजन और साइलेंसर में जो आवाज़ है भाई, वो सिंक नहीं करते कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है। ये आगे जब अपन इसको रैव करेंगे और थोड़ा सा हाई RPM पर जब चलाते हैं, तो इंजन की क्रैंकलिंग की आवाज़ अलग आती है और साइलेंसर की आवाज़ के साथ सिंक नहीं होती है। वही अपन लोग आज चेक करने वाले हैं, और देखते हैं थर्ड गियर में इसका टॉप कितना जाता है। नॉट बैड हाँ, 90 अराउंड अपन टच कर देते इजीली, बट साथ में वाइब्रेशंस भी थे। और अगर अपन 80+ जाते हैं किसी भी बाइक को लेके थर्ड गियर में, तो भाई इतना वाइब्रेशन इट्स लाइक बेयर कर सकते हैं, वो ज़रूरी भी है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपको फील नहीं होगी वो स्पीड, और फिर उसके बाद जब ओवर स्पीडिंग होती है तो धप से करके कहीं भी ठोकोगे ना, वो फील नहीं आएगा फिर। तो वो फील लेना ज़रूरी है स्पीड के साथ में, आवाज़ और वाइब्रेशन हल्का सा है। इंजन की और साइलेंसर की जो साउंड है वो सिंक नहीं हो रही है, बट दैट्स हाउ इट इज़। तो ये प्रॉब्लम्स थे जो मैंने अभी तक इसमें नोटिस किए। बाकी इससे अलग जो अपने को इसमें अच्छी चीज़ें मिलती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसके एडवांटेजेस वो भी ज़रूरी है ना भाई, तो इसके एडवांटेजेस अपन पूछेंगे इसके ओनर से। तो अगर इसके एडवांटेजेस या फिर इसके प्रोज भी अगर मैं ही बता देता, तो ओनर क्या बताता, इसकी बुराइयां तो ओनर करता नहीं ना, तो इसलिए ये चीज़ अपन पूछेंगे इसके ओनर से। तो पंकज भाई बहुत देर हो गई कैमरे के पीछे, थोड़ा कैमरे के आगे आते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं आपकी बाइक के बारे में। क्या करते हैं, गुफ्तगू। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि जो करना था वो तो मैंने कर दिया, इसकी बुराइयाँ जितनी करनी थी। अब थोड़ी खूबियों की बात करते हैं, है ना, थोड़ी सी एडवांटेजेस इसमें क्या क्या हैं। तो भाई इतने टाइम से चला रहे हो बाइक, तो क्या लगता है इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ें हैं जो बाकी दूसरी बाइकों में नहीं मिलती है, पहली कम्फर्टेबल भाई एक नंबर है। मैं एग्री करता हूँ भाई, कम्फर्टेबल बहुत है, और ये इस आदमी को थोड़ा कम्फर्ट चाहिए भी, क्योंकि ज़रूरी है भाई शरीर के लिए, ठीक है। दूसरी एडवांटेज या दूसरा प्रोज अगर अपन बात करें तो पंकज भाई, चलाने में स्मूथ है काफी। हाँ मतलब 60? थर्ड गियर में 80 तक काफी अच्छा चलता है। अगर आपको प्लस जाना है 80+, तो एटलीस्ट फोर्थ और फिफ्थ गियर चाहिए इसको। हाँ, और फिर अपन 80+ जाते ही कितना है, हाईवे पे अपन जाते हैं तो ठीक है सिटी के लिए, और अगर आपको लग रहा है बुड्ढे हो रहे हो तो ठीक है, चलता है ना इतना तो। नहीं कम्फर्टेबल नहीं, बाइक भाई बहुत कम्फर्टेबल है, नो डाउट। तीसरा एडवांटेज जो इस बाइक में मिलता है अपने को, रॉयल एनफील्ड का भरोसा। तो भाई रॉयल एनफील्ड के साथ में आपको ना एक जो भरोसे वाली बात करें अपन, तो वो भरोसा आता है सर्विसिंग पे। आपको इजीली किसी भी नियर बाय या किसी भी रिमोट लोकेशन पे आप जा रहे हो, कोई भी मैकेनिक बाइक खोल के सही कर देता है। बाकी और दूसरी बाइकों में
वैसी बाइकों में कोई मैकेनिक हाथ भी नहीं डालता भाई, तो वो चीज़ इसमें आपको बहुत अच्छी मिल जाती है रॉयल इनफील्ड लेने के बाद में। दूसरा, काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड भी करी, जैसे कि इसमें दे दिया ये भाई यूएसबी चार्जर, ये बहुत अच्छा दे दिया। मीटर क्लस्टर भी थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, जो कि है डिजिटल इस बार, देख लो। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है जो मिल जाती है, ऑल दो इट्स कन्फ्यूजिंग, बट हाँ ठीक है, मिल तो रही है फॉर यू पीपल। हाँ नॉट फॉर मी, ठीक है। बाकी स्पीड बस की अगर अपन बात करें तो इफ़ यू आर राइडिंग बिलो 70 और 80, नेक्स्ट लेवल स्मूथनेस है। कितना भी ट्रैफिक क्यों ना, ट्रैफिक में बड़ा अच्छा मतलब उसका पता लगता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब ये बाइक चलाई थी तो भाई ट्रैफिक में ही चलाई थी, पंकज भाई पीछे बैठे हुए थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था मेरे हाथों पे या पैरों पे कहीं भी कोई भी प्रेशर आ रहा है या पीछे बैक पे भी, क्योंकि इतनी ज्यादा कंफर्टेबल थी। बट अगर आपको रश करना पसंद है, मतलब ऐसे कट कुट मारना पसंद है, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। ऑल दो लॉन्ग टूरिंग आप कर सकते हो, कट कूट नहीं मार पाओगे, तेज चला सकते हो, 100 90 100 ईजिली कर लेगी। तो भाई इसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शायद आपको जानने के लिए मिल गई होंगी। इसको चलाया भी मैंने, काफ़ी चलाया मैंने पंकज भाई के साथ पीछे बैठा के। तो ये था हम लोग का रिव्यू, भाई के एडवांटेजेस, मेरे डिसएडवांटेजेस जो मिक्स होके आपको अगर कुछ अच्छा लगा उस बाइक के बारे में भाई तो देख लेना, बाकी कमेंट में बता ही देना आया नहीं आया, हमको भी पता चल जाएगा। और आ गया तो भाई लाइक करके कमेंट छोड़ देना जो भी समझ में आया। बाकी ठीक है, बाइक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई, कमेंट कर देना वीडियोस पे। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।